का जीएस क्लासेस दोस्तों 2008 यूपीपीसीएस हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस हैं, देखेंगे अब इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं विद डिटेल्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर, सिंपल याद करना है, जहांगीर दे दी, जहांगीर का मतलब होता है पूरा का रियासत, पूरे का पूरा, तो जहांगीर किसको दे दी, जहांगीर का तो नाम है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जितने भी इस पूरे के पूरे बॉक्स में डिटेल्स है इसके बारे में सब कुछ। पहली डेट 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया, पहला पर्सन 1599 में, 1600 में किसने किया, रानी एलिजाबेथ ने, किसने किया, क्वीन एलिजाबेथ ने किया 1599 में गठन, 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने गठन किया। चार्टर एक्ट के तहत कितने वर्षों के लिए था, तो 15 वर्षों के लिए चार्टर एक्ट था। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। किसके शासनकाल में, जहांगीर, ठीक है, अभी हमने देख लिया पूछा गया था। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस कब आए भारत, 1608 में आए, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा, और 1615 में जेम्स प्रथम टोमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार के पास भेजा, ठीक है। तो टोमस रो को अपना राजदूत बनाकर भेजा, टोमस रो किसके दरबार में आए, जहांगीर के दरबार में आए, ठीक है। तो सर्वप्रथम अंग्रेज ने मुसलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की, एग्जाम में पूछा जा चुका है सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहाँ पे अपनी कोठी की व्यापारी कोठी की स्थापना की थी, मुसलीपट्टनम में की थी। और 1639 में मद्रास और 1691 में हुगली में व्यापारी कोठियाँ खोली। डन, सबसे पहले मुसलीपट्टनम, उसके बाद मद्रास, उसके बाद हुगली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। देखिए 1919 का अधिनियम, तीन अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, 1909 का 1919 और 1935, ठीक है। मिडलो मांटे 1909 वाला, 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जिसकी यहाँ बात की जा रही है, 1935 का एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें तो एक्ट का पारित हुआ था भारत का वायसराय कौन था, तो लेव चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। वायसराय का पद किसने बदल दिया आज़ादी के बाद, तो वायसराय का पद किसने बदल दिया गया, अब राष्ट्रपति में बदल दिया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से लेके 1918 तक, ठीक है। तो लेव चेम्सफोर्ड कब से कब तक रहे, 1916 से 1921 तक भारत के व्यवसाय में रहे, भेजने का कार्य किया। इसके 1919 का रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, ठीक है, 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, डी के करवे ने स्थापना की 1916 में, पहले महिला की स्थापना की गई। क्वेश्चन एग्जाम पूछा 2019 में, शायद पीसीएस प्री में था क्वेश्चन ही। और सैडलर आयोग की नियुक्ति लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय की गई थी, सैडलर आयोग 1917 में आया था सैडलर आयोग, किससे संबंधित था, इसका संबंध किससे था, शिक्षा से संबंधित था, यूपीपीसी 2018-19 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया ये, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1920-21 में शुरू हुआ, खिलाफत आंदोलन 1920 गांधी जी के सत्याग्रह की शुरुआत की गई, तृतीय अफगान युद्ध हुआ, महत्वपूर्ण घटनाएं चेम्सफोर्ड के समय में हुई, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का हमने देखा काफ़ी सारी चीज़ें, भारत का वायसराय का पद राष्ट्रपति ने बदला, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय रोलेक्ट एक्ट आया, डी के करवे ने 1916 में महिला कॉलेज की स्थापना की महाराष्ट्र में, सैडलर कमीशन आया, चेम्सफोर्ड, ठीक है, 1921 खिलाफत आंदोलन हुआ, और कब से कब तक रहा ये, 1916 से 1921 तक रहा, और इसी के समय में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई, ये सारे काम हुआ
ये पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए गए थे? तो शिमला समझौता, ठीक है, वॉर ऑफ मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए गए थे, शिमला समझौता। देखिए इसके हम डिटेल्स में देख लेते हैं, शिमला समझौता क्या था और कब कब हुआ। 4 जून 1945 को वायसराय वेवल ने भारतीय के सामने वेवल योजना को रखा। योजना की मुख्य शर्त निम्नलिखित थी, वायसराय कार्य परिषद को पुनर्गठित किया जाए, उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, ठीक है। नंबर सेकंड, मुसलमानों के सदस्य संख्या को हिंदू को बराबर रखी जाए। आपसे 4 क्वेश्चन देखे पूछ लेगा, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है कौन सा एक गलत है, ठीक है। मुस्लिम सदस्य संख्या हिंदू को बराबर रखी जाए। कार्यकारिणी परिषद एक अंतिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाज्ञा का प्रयोग नहीं करेगा, छोड़ दीजिए इसे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नंबर 4 देखते हैं, कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे, शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। नंबर 5, युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर 5 जो है। तो 25 जून 1945 में शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसी शिमला सम्मेलन 1945 के नाम से जाना जाता है, इसमें कुल 22 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। शिमला समझौता कब हुआ? 1945 में हुआ, 25 जून 1945 को शिमला, आज ही के दिन हुआ ये, ठीक है। तो इसमें मुस्लिम लीग ये शर्त रखी कि वैसे ही कार्य परिषद नियुक्त होने के लिए सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन स्वयं करेगी। कांग्रेस जिन्ना के इस प्रस्ताव को नहीं मानी। अंत में वेवल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता घोषणा कर दी। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, शिमला समझौता किसके समय हुआ? वेवल के समय हुआ, लॉर्ड वेवल, 25 जून 1945, ठीक है। शिमला समझौता कब हुआ? 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? फ्री इंडियन लीजन सेना किसने बनाई, ठीक है। फ्री इंडियन लीजन सेना किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस फ्री हो गए, घूमते रहे पूरे विश्व में, ठीक है। तो देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या की, फुल डिटेल्स इसकी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्री इंडियन लीजन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी 1941 में। कब की गई? 1941 में। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के सामने आए। और सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के, वहाँ पर हिटलर से मुलाकात की, उन्होंने जर्मनी हिटलर की इटली में बंदी रूप से रह रहे भारतीय सैनिकों को एकत्र कर मुक्ति सेना का गठन किया। क्या काम किया उन्होंने? मुक्ति सेना का गठन किया। जापान में रहे भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने टोक्यो में आयोजित एक सम्मेलन में आजाद हिंद फौज, ठीक है, मुक्ति सेना, भारतीय क्रांतिकारी भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। और 20 जून 1943 सुभाष चंद्र बोस ने सेना की जिम्मेदारी सौंप दी गई। और 21 अक्टूबर सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, सिंगापुर में किया। ये सारे का सारा था इस क्वेश्चन संबंधित, समझा, फ्री लीजन लीग सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ बनाई थी? यूरोप में बनाई थी, जर्मनी जब गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन इसमें रह गया नीचे, चलिए। निम्नलिखित में किसने नेट हुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि जीके गोखले, किसने सेक्रेटरी ऑफ पद ग्रहण करने से अस्वीकार कर दिया और नेट हुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया? दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ये, इसमें से भी क्वेश्चन में जो है, ठीक है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो गोपाल कृष्ण गोखले काफ़ी सारी चीज़ें इनकी संबंधित है। नेट हुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया, भारत के लिए कौन से स्टेट सेक्रेटरी पद ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया। जन्म महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने, गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के सुकरात, महादेव गोविंद रानडे के शिष्य,
महात्मा गांधी के गुरु 1902 में, 1902 में गोखले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सदस्य चुना गया। उन्होंने नमक कर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सरकारी नौकरियों में भारतीय को अधिकार देने के लिए, नमक कर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों क्वेश्चन यार अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। भारतीय को अधिक स्थान देने के लिए मुद्दे उठाया और 1905 में गोखले ने बनारस में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। 1912 से 15 तक भारतीय लोक सेवा के अध्यक्ष रहे और 1905 में उन्होंने भारत सेवक समिति की स्थापना की। भारत सेवक समिति गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले के चेले कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में बनारस में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1905 में भारत सेवक समिति की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची का मिलान कीजिए, लेखक है और कृति है। देखिए बंकिम चंद चटर्जी, क्या लिखा? नील दर्पण, ठीक है। बंकिम चंद चटर्जी नील दर्पण, दीन बंधु मित्र, सॉरी इसे वापस देखते हैं। बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा देवी चौधराइन, देवी चौधराइन, दीन बंधु मित्र इनके बाद फेमस नील दर्पण है। और प्रेमचंद ने क्या लिखा? शतरंज के खिलाड़ी, इनकी बहुत अच्छी कहानी कविता, अच्छी कविता कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। तो बंकिम चटर्जी, देवी चौधराइन, दीन बंधु मित्र, नील दर्पण और प्रेमचंद ने शतरंज के खिलाड़ी लिखा। चलिए देखते हैं डिटेल। नील दर्पण, नील दर्पण नील विद्रोह पर 58-59 में दीन बंधु मित्र द्वारा बंगाल में रचित बंगला में रचित है। नील दर्पण बंकिम चटर्जी को उपन्यास देवी चौधराइन 1884 में प्रकाशित है। शतरंज खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद द्वारा हिंदी भाषा में लिखी कहानी। प्रेमचंद के अन्य कृति गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है। देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता लिखी, एग्जाम में पूछा गया। देवकीनंदन खत्री ने कौन सी को क्या किसकी रचना की? चंद्रकांता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीतिक व्यवस्था आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लिखने की श्रृंखला से की थी? अरविंद घोष, ठीक। अरविंद घोष के बारे में देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं मध्यकालीन भारत के। 1900 अरविंद घोष ने इंडियन नेशनल न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के शीर्षक की अरविंद घोष ने की। 1905 में बंगाल में आलोचना की थी इन्होंने वंदे मातरम द्वारा, ठीक है। अरविंद घोष ने संन्यास लिया, संन्यास योग्य बन के कहाँ चले गए? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसने संन्यास लिया? पांडिचेरी चले गए। 1905 में उनकी मृत्यु हो गई। अरविंद घोष ने पांडिचेरी में एक अनेक ग्रंथ की रचना की, इसमें फेमस है द डिवाइन, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द एस्ट्री ऑफ द गीता, कन्वर्सेशन टू द डेड एंड द सुपरमैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वापस देख लें आप वीडियो को पॉज करके। इंग्लैंड में, इंग्लैंड के अपने प्रवास के समय अरविंद घोष ने लोटस एंड द डैगर नामक संस्था के सदस्य रहे। लोटस एंड डैगर, वीडियो को 2 से 3 बार देखें तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का प्रयोग किया था? दादा भाई नौरोजी, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जानते हैं दादा भाई। सबसे लंबा समय इन्होंने मध्यकालीन भारत में देखा। दादा नाराज भाई पुस्तक पॉवर्टी, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया अंग्रेजी में, ठीक है, संबंधित थी। वयोवृद्ध नेता थे, 86-93 1963 बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, 86 में रहे, 93 में रहे और 1906 में रहे। एक महिला, ठीक है। और लंदन में इंडियन एसोसिएशन ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। 1906 में इनकी अध्यक्षता प्रथम कांग्रेस कलकत्ता स्वराज मांग की स्थापना की गई। 1906 में बने थे, देखिए यहाँ पर लास्ट बार ही 3 बार बन चुके हैं। एग्जाम में पूछा कितनी बार सदस्य बने, 3 बार है, सॉरी अध्यक्षता करी उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की। तो 3 जून 1917 को उनकी मृत्यु हुई। भारत की ग्लैंडस्टोन कहा जाता है, डेनिश थ्योरी दी कि किस तरह से सारा पैसा ब्रिटिश इंडिया निकाल, इंडिया का सारा पैसा ब्रिटिश निकाल के अपने देश में ले जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैज अहमद फैज, ठीक है। देखिए रात के बाद सुबह, सुबह के बाद फिर रात, तो फैज अहमद फैज, रात सुबह, रात रात सुबह, रात रात फैज फैज, ठीक है। सुबह नामक, सुबह नामक कविता लिखी।
नेक्स्ट, वर्ष 1949 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, पहली स्टेटमेंट, कथन, कारण, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल सही, ए आर दोनों सही है। कांग्रेस ने सभी अपना त्यागपत्र दे दिया था, सभी कांग्रेस मंत्रिमंडल में से, ठीक है, और कारण द्वितीय विश्व युद्ध था इसका, देखते हैं इसको। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया, जिसके असर 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस को संयुक्त प्रांत अब क्या है, यूपी, मद्रास, मध्य प्रदेश, बरार, उड़ीसा, बिहार में बहुमत प्राप्त हुआ। 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। कांग्रेस कार्य करने के आदेश पर 15 नवंबर 1947 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया और इसके मस्ते बदलने का मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1947 को मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने मनाया, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। कांग्रेस 1947-41 तक रहेंगे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक था? तो जे बी कृपलानी पेशे से शिक्षक थे, देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत। जे बी कृपलानी शिक्षक के रूप में कार्य करते थे और अंग्रेजी मुजफ्फरनगर कॉलेज में अध्यापक रहे। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा है कि जनरल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो बहुत ही फेमस, अल हिलाल और अल बिलाल दोनों नाम से। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रारंभ किया, 1914 में अल हिलाल और प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? देखिए, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन होते थे दिसंबर में ही होते थे, आप इस चीज़ को दिमाग में रखिए अपने, हमेशा दिसंबर में होते थे। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ और बम्बई में हुआ था, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपुर संस्कृत कॉलेज में हुआ, यहीं पर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, यानी कि व्योम चंद्र, एग्जाम में WC बनर्जी लिखा आता, व्योम चंद्र बनर्जी थे। भारत राष्ट्रीय के संस्थापक एलन ऑक्टन ह्यूम, यानी कि ए ओ ह्यूम थे। 2016-17 के प्री में पूछा, बताइए AO का पूरा नाम क्या था? तो एलन ऑक्टन ह्यूम था, स्कॉटलैंड के निवासी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता के नाम से भी जाने जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सम्मेलन में प्रमुख प्रस्तावों के संगठन ने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी? इतने इम्पोर्टेंट ही है नहीं इसकी मांगे, खैर नेक्स्ट आ जाइए। बस आज की वीडियो में ही ख़त्म करते हैं, मेरी तबीयत सही नहीं है इसलिए आज काफ़ी बड़ी वीडियो नहीं बन पाएगी। तो वीडियो को दो बार तीन बार देखें, स्क्रीनशॉट लें इसका, देखें इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। मैं आपको एक करके सब दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और कल मैं एक विशेष वीडियो लेके आ रहा हूँ कि 100 दिन के अंदर EPPCS प्री 2020 की तैयारी कैसे करें, तो उस वीडियो को देखिए और समझिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।